ओके चलिए बेटा, आज हम लोग एवरेज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास सिक्स मैथ्स में यूनिट टेन है एवरेज ना। यस सर। तो सबसे पहले तो हम लोग एवरेज का मतलब समझ लेते हैं कि क्यों एवरेज हमको निकालना पड़ता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं इसी क्लास के बच्चों का, इस क्लास के बच्चों की अगर हाइट निकाली जाए, नापी जाए, तो हर एक बच्चे की हाइट नाम ले ले रहे, मान लीजिए ए बी सी, फाइव बच्चे मान लीजिए किसी क्लास में है, ठीक है, और इन ए बी सी डी में आप लोगों का नाम है, ठीक है, मैंने ए बी सी डी इसलिए ताकि छोटा रहे और मुझे लिखने में जल्दी से लिख सकूं साथ। तो फाइव बच्चे हैं क्लास में मान लीजिए, तो किसी की हाइट भाई मान लेते हैं 120 सेंटीमीटर है, किसी की 100 सेंटीमीटर है, किसी की 150 सेंटीमीटर भी हो गई होगी, किसी की भाई 125 सेंटीमीटर है, किसी की 130 सेंटीमीटर, देखा है। तो यही तो होगा अगर सारे बच्चों की हाइट निकाली जाए, तो लगभग सभी बच्चों की हाइट थोड़ी बहुत डिफरेंस होगा। यस सर। तो अलग अलग हाइट को हमको पता चल जा रहा है कि भाई इनकी हाइट इतनी है, इनकी हाइट इतनी है। लेकिन अगर ये तो क्लास वाइज हो गया कि फिफ्थ एवन की क्लास में इन बच्चों की हाइट इतनी 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 है सभी बच्चों के नाम का, लेकिन इसी तरह फिफ्थ ए टू की बात करें तो फिफ्थ ए टू के बच्चों की हाइट भी अलग अलग होगी, फिफ्थ ए थ्री के बच्चों की भी हाइट अलग अलग होगी। लेकिन ये पूछा जाए कि भाई आपके क्लास के बच्चों की एवरेज हाइट कितनी है, यानी मतलब एक ऐसी हाइट बताइए जो कि उस क्लास के सभी बच्चों की हाइट या तो उससे थोड़ा कम हो या थोड़ा अधिक हो, मतलब एक सेंटर पॉइंट बताइए ताकि हम समझ में आ जाए कि हाँ इनके क्लास में इतने ही हाइट के सभी बच्चे लगभग होंगे, ठीक है। तो वो क्लास की हाइट को रिप्रेजेंट करेगा कि फिफ्थ एवन की एवरेज हाइट क्या है, फिफ्थ ए टू की एवरेज हाइट क्या है। मान लीजिए फिफ्थ एवन की एवरेज हाइट आ गई 130 सेंटीमीटर, मान लीजिए ठीक, तो 130 सेंटीमीटर अगर एवरेज आ गई फिफ्थ एवन के बच्चों की, तो अब किसी को अगर प्रिंसिपल से पूछेंगे कि भाई बताइए आपके फिफ्थ एवन के क्लास की एवरेज हाइट कितनी है, तो मैं कहूंगा सर 130 सेंटीमीटर। तो प्रिंसिपल सर तब समझ जाएंगे एक चीज, तो मतलब इनके क्लास में जितने भी बच्चे हैं 130 सेंटीमीटर से थोड़े बड़े होंगे, या तो 130 होंगे या तो 130 से थोड़ा छोटे होंगे, मतलब इसी के आसपास होंगे। तो अंदाजा लग गया, नहीं तो एक एक बच्चे की हाइट उनको बतानी पड़ती। इसी तरह फिफ्थ ए टू वाले क्लास टीचर से अगर प्रिंसिपल सर पूछेंगे तो फिफ्थ ए टू वाले क्लास का मान लो एवरेज हाइट 125 या कुछ है, मान लीजिए 125 पाया सभी बच्चों का एवरेज निकालने पर, तो वो बोलेंगे सर 125। तो प्रिंसिपल सर समझ जाएंगे अच्छा अच्छा इनके क्लास के बच्चों की हाइट लगभग 125 है, इसी से थोड़ा कम ज्यादा है, अंदाजा लग गया। इसी तरह अगर हम मार्क्स की बात करें, कुछ ज्यादा ही अब आवाज हो रहा है, क्लास फिफ्थ के मान लीजिए पांच बच्चे हैं, उनका मार्क्स का निकाल लेते, मान लीजिए किसी का 50% है, किसी का 30% है, किसी का 80% है, किसी का 40% है, और किसी का 60%। हर एक लड़के का हर एक लड़की का अलग अलग मार्क्स होगा ना। यस सर। तो प्रिंसिपल सर को बताना होगा तो एक ही बच्चे का मार्क्स बताएंगे, इतना टाइम तो उनके पास है नहीं कि एक एक बच्चे का मार्क्स सब सुने। जब किसी क्लास में प्रॉब्लम होगी मंगा के देख लेंगे, ये अलग बात है, लेकिन एक क्लास तो है नहीं, बहुत सी क्लासेज है। तो वहां क्या होगा कि हमसे पूछेंगे तो हमको अपने क्लास का एवरेज मार्क्स परसेंट बताना होगा। तो एवरेज मार्क्स परसेंट हम कैसे निकालेंगे अभी सिखा देते हैं। कल मैंने वीडियो भी भेजा था, आप लोग सीख तो गए ही होंगे, देखा होगा जिन लोगों ने, बहुत आसान है लेकिन समझिए। तो अब अगर हम एवरेज इसका निकाल लें, मान लो इसका एवरेज आ गया 65% मेरे क्लास का,
या 70%, मान लीजिए तो 70% आ गया तो सर को समझ में आ जाएगा तो इनके क्लास का जो एवरेज ही है वो लगभग 70% या 60% जो भी मैं बताऊंगा वो है। अब कैसे एवरेज निकालते हैं देखिए, अच्छा बुक का ही एक एग्जांपल जरा सब देख लेते हैं ना, ये तो मैंने समझाया। चिल्ड्रेन कम वन बाय वन एंड पिक अप सम टॉफी फ्रॉम द टेबल, एक टेबल पर टॉफी रख दी गई, ओके, और सर ने मैंने या मैडम जो भी होंगे उन्होंने बच्चों से कहा बच्चे आइए अपने यहाँ से कुछ टॉफियां उठा उठा के अपने सीट पर ले जाइए, ले गए। तो यहाँ फोर बच्चों का एग्जांपल दिया है, एक ने कहा मेरे पास 13 टॉफी है, एक ने कहा मेरे पास 8 टॉफी है, एक ने कहा केवल मेरे पास 2 टॉफी है और एक ने कहा केवल 1 टॉफी है। तो मैडम बोली डोंट वरी लेट मी डिस्ट्रीब्यूट दिस 24 टॉफी इक्वली अमंग यू, रुको रुको वापस टॉफी रखो, मैं आप सब में बराबर बराबर टॉफियां बांट देती हूँ, नहीं तो कुछ लोग अधिक ले लेंगे कुछ लोग कम। तो उन्होंने वापस टॉफियां मंगाई और टोटल 4 बच्चे थे तो 24 को 4 से डिवाइड कर दिया उन्होंने, और 24 को जब 4 से डिवाइड किया तो एक एक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेगी, 6। तो वी ऑब्जर्व दैट ऑन एन एवरेज ईच चाइल्ड गेट्स 6 टॉफी, हर एक बच्चे को 6 टॉफी मिल गई। वी कैन से दैट द एवरेज नंबर ऑफ टॉफी ईच चाइल्ड गेट इज 6। कोई है जो समझाने का तरीका था उनका भी है हमारा भी है, दोनों बात से एक ही बात निकली कि एवरेज निकाल लेने से हमको यह फायदा हो गया कि हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन टॉफी को, नहीं तो कोई ज्यादा ले जाता कोई कम ले जाता, ठीक। एक फार्मूला है एवरेज निकालने का है, देखो एवरेज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स। अब देखिए इसका क्या मतलब है, अभी मैंने 5 या 4 बच्चों का एग्जांपल लिया था, ठीक है। अब इन 4 बच्चों का मान लीजिए मैथ सब्जेक्ट का नंबर्स का मैं एवरेज निकालना चाह रहा हूँ, मेरे क्लास में कितना एवरेज गया मैथ्स के बच्चों का, मैथ्स में कि कोई 50 मार्क्स है टोटल, कोई मान लीजिए 25 मार्क्स का गया, कोई 40, कोई 45 और कोई 60 मार्क्स का, ठीक है, सॉरी 40, इतना मार्क्स अलग अलग बच्चों ने पाया। तो टोटल सम ऑफ नंबर्स, पहला काम तो इन सबका नंबर निकाल देंगे, ऐड कर देंगे एवरेज, इन सब नंबर्स को ऐड कर दीजिए, ठीक है। सम ऑफ नंबर्स का टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स, कितने लोग थे, लोग हो सकते हैं कितने दिन थे, कितने कार्य थी, जो चीज दिया हो क्वेश्चन में, 4, 1, 2, 3, 4। तो नाम देखिए टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स 4। अब इन सारे नंबर को ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है 150 अपॉन 4, ऐसा कुछ कर देते हैं कि 160 आ जाए, इसको 35 कर देते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए, तो 160 आ जाएगा, तो ये आया 40 मार्क्स। तो ये एवरेज मार्किंग हो गई मेरे क्लास में मैथ सब्जेक्ट की, मेरे क्लास में लगभग 40 मार्क्स के आसपास ही सभी बच्चे नंबर पाए, इसी से 2-4 नंबर अधिक 2-4 नंबर कम, ठीक है। एक चलिए अब नंबर समझ में आया कैसे एडेंट्स निकालते हैं, यस सर। जितने लोगों का रिकॉर्ड दिया है या जितने दिन का रिकॉर्ड दिया उनको एडेंट्स कहते हैं, और बाकी जो रिकॉर्ड दिया उसको तो ऐड कर ही देंगे सम ऑफ नंबर। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है एग्जांपल में, हाँ बोलो
डिवाइड करोगे तो ये इससे डिवाइड करेंगे ना, वन सिक्सटी को फोर से करेंगे, फोर फोर जा सिक्सटी, जीरो आया, फिर जीरो कर देगा, ठीक 40 मार्क्स है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग और सही क्लियर हो जाएगा सब चीज। लेकिन एवरेज क्यों निकाल रहे हैं हम लोग समझ में आया? यस सर। क्योंकि वो रिप्रेजेंट करेगा उस क्लास के एवरेज मार्क्स को, एवरेज हाइट को, एवरेज वेट को, उससे अंदाजा लग जाएगा कि इस क्लास के सभी बच्चों का वेट। जैसे अगर एक और एग्जांपल समझे कि अगर आप सबका वेट किया जाए वेइंग मशीन पर, तो सबका वेट अलग अलग आएगा, सबका वेट अलग आएगा लगभग। तो अब किसी को बताना है कि क्लास के बच्चों का वेट कितना है, तो या तो मैं एक एक बच्चे का वेट बताऊं कि इनका वेट इतना है, इनका वेट इतना है, इनका वेट इतना है, या फिर इसी तरह से एवरेज निकाल लें और फिर बता दें कि मेरे क्लास का एवरेज वेट इतने केजी है, तो या ठीक है, तो वो लोग समझ जाएंगे कि भाई इनके क्लास में बच्चे जो है उनका लगभग लगभग वेट इसी के आसपास है। जैसे चलिए किसी किसी का नाम श्रद्धा, उनसे स्टार्ट करें। श्रद्धा का वेट ले लेते हैं, श्रद्धा कितने के जी की होगी? 80 के जी की हो श्रद्धा? नो सर। तब कितने के जी की बताओ? मान लीजिए 30 के जी की। श्रद्धा 30 के जी की हो गई। माधुरी को ले लेते हैं, माधुरी हो गई 25 के जी की हो माधुरी? चलो माधुरी को 40 के जी कर दिए। इसराफ को ले लिए, ये हो गए, इसराफ इनसे कम तो होंगे नहीं, 30 के जी ले लिए। और एक ले लेते हैं आचल को, आचल का कुछ वेट कम लग रहा है, आचल कितना वेट है? 25 के जी। जो आचल गलत तो नहीं कर रहे हम? आचल खाना खा रही हो ना? हाँ अच्छा रुक जाओ, फोर का ठीक है। तो अब एवरेज अगर निकालना है हमको अपने इस क्लास के इतने बच्चों का, तो सम ऑफ नंबर 30 + 40 + 30 + 25 टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स कितने हो जाएंगे? अरे कितने बच्चे हैं? वही एडेंट्स हो गए, ये हो गया 125/4 परिभाग में, अब डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 3 इतने केजी लगभग आएगा। तो अब मैं अगर मुझसे पूछा जाएगा मेरे क्लास का के बच्चों का वेट क्या है, तो मैं बोल दूंगा भाई मेरे क्लास का एवरेज वेट 31.25 केजी है, तो क्या गलत बताए? अरे इसी के आसपास तो लगभग लगभग है, थोड़ा 2-4 किलो ऊपर नीचे। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन सीधे सीधे मिलेगा। अरे देखो ना डिवाइड करो फोर से, 4 × 3 = 12 बन गया 5, 4 × 4 1 पॉइंट बना के 0 बढ़ा दीजिए, 4 × 2 = 8 2 आया, फिर 0 लगा पॉइंट लगाइए 0 बढ़ा दे 4 × 5 = 20 ऐसे ठीक है। साइज ने 1 पॉइंट कर दिया क्या? हां बेटा चले अभी मैं बोल गया तो क्या रिमाइंडर बन गया, तो हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ाते हैं ना, डिवाइड करना सीखी हो ना डेसिमल में? सभी लोग चुप रहो, हाँ बिल्कुल पॉइंट लग जाता है तो हम यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। कैसे होगा? डिवाइड किए क्या? डेसिमल आप लोग ने नहीं पढ़ा है बेटा, डेसिमल में ये सिखाया गया है आप लोगों को। मैं बता, शांत हो जाइए, अभी कोई नहीं बोलेगा, अभी कोई नहीं बोलेगा। इसको समझ में नहीं आ रहा ना कैसे हो रहा, 125 है, इसको मैंने 4 से डिवाइड करना है, ठीक है,
फोर से डिवाइड करेंगे तो फोर थ्री जा ट्वेल्व, माइनस किए क्रॉस हो गया फाइव नीचे आया, फोर वन जा फोर, माइनस हुआ वन बच, रिमाइंडर वन बच गया। तो रिमाइंडर रुक जाओ, रिमाइंडर जब तक बचेगा तब तक हम लोग को डिवाइड करना है क्योंकि आंसर परसेंट के रूप में आएगा। तो अब यहाँ वन में तो फोर तो जाएगा नहीं, हम पॉइंट लगाएंगे। जैसे ही हम पॉइंट लगाते हैं हमको ये आधार मिल जाता है कि हम यहाँ एक जीरो बढ़ा सकते, जीरो बढ़ा दिए। फोर टू जा टू टाइम जा सकता है, फोर टू जा एट, माइनस किए टू आया, अभी भी देखिए बच गया। तो घर रखना चाहिए पॉइंट, जब हम लगा चुके हैं हम यहाँ भी जीरो बढ़ा लिए, हम कर सकते हैं जीरो जितनी बार हो ना कट जाए उतनी बार पूरा करना चाहिए। फोर फाइव जा ट्वेंटी, आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो, आप उसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में निकाल लो, डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन के रूप में तो भी आंसर सही है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लगाइए अवेज का, तब पूरी बात समझ में आएगी। जब क्वेश्चन आवाज करने लगे क्या कुछ लोग, क्या कुछ लोग बात कर रहे हैं, वर्कशीट वन का क्वेश्चन, वर्कशीट वन बुक में ही कर लीजिए बुक। प्रांजलि हमसे वो पूछ सकते, कोई प्रॉब्लम किसी को वो मुझसे पूछ ली, एक दूसरे से नहीं मत बताइए। चलिए स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। तो एक चार्ट दिया हुआ है उसे कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। देखिए नंबर बेटा मैंने कुछ कहा है आपको ध्यान नहीं रखा, मैं दूसरे क्लास में शिफ्ट कर दूं एक दो लोग को। नंबर सम ऑफ नंबर टोटल अटेंडेंस एवरेज 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 ठीक। चलिए फर्स्ट है 15, 21, 18, वो तो हो चुका है। चलिए 3, 2, 7, 8, 5, रुक जाइए आंसर अभी मत, ये जो लोग नहीं लगा रहे उनको लगाने दीजिए। तो सम ऑफ नंबर, सबसे पहले इन नंबर्स को आपस में ऐड कर लें। तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 25 नंबर ऑफ एडेंट्स मैंने बताया था कितने नंबर है वो कितने, और एवरेज के लिए बताया था कि सम ऑफ नंबर्स में एडेंट्स के लिए बताया था ये आ गया फाइव, आगे आगे नहीं जब पूछूंगे तभी बताना। सी है 36, 14, 17, चलो जी जाओ बाहर बेटा लिख लो। ठीक है 36, 7, 14, 17, 42, 101, 46 लिया ना, रुक जाओ। उसके बाद इनको ऐड किए तो 246 एडेंट्स कितना हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब एवरेज निकालना है तो इसको डिवाइड कर दें 41। इसी तरह अब आगे नहीं करा रहे हैं डी ई एफ होमवर्क है, जो लोग कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं किए हैं वो लोग अब घर से करेंगे। एक इस वीडियो में मैं जो होमवर्क लिख दे रहा हूँ, एक मिनट अभी देर लगी है लेकिन मेरा पढ़ाना बंद नहीं हुआ इसलिए आप लोग शांत रहें।
Rupee 28, 40, 22. इनका सम निकालना है, शांत रहिएगा। टोटल एडेंट सीट में वो निकालना है और उसके बाद एवरेज निकालना है और यूनिट लगी रहेगी ना रुपए वाली, यहाँ रुपए की बात हो रही है। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें, ये आगे इसके हम लोग कल कंप्लीट करेंगे पार्ट टू। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन टू क्वेश्चन थ्री ये भी कल सॉल्व कराएंगे। अभी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।